जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, हमने उनके अनेकों वक्तव्यों को सुना है, उनके अनेकों इनर व्यूज़ को सुना है। उन इनर व्यूज़ को सुनते समय हमें गुरुदेव के कई गुण पता लगे। उदाहरण के तौर पर गुरुदेव प्रशांत त्रिवेदी जी जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, वो हवाई बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी कि गुरुदेव का कहना है कि जो ज्ञान को आप प्रैक्टिकली अप्लाई ना कर सको वो ज्ञान व्यर्थ है, उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। तो गुरुदेव अधिकांश तौर पर जो भी ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सारा का सारा प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है और उसको फॉलो करके हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव प्रशांत त्रिवेदी जी ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता हैं, वो पृथ्वी लोक पर स्थित महान ज्योतिषियों में से एक हैं। तो इस प्रकार से हमें परम पूज्य गुरुदेव का दूसरा गुण भी पता लग गया। वो सिर्फ वही ज्ञान हमें देते हैं जिस ज्ञान से हमारा कल्याण हो सकता है। हालांकि उनके पास ज्ञान का सागर है, लेकिन वह उसी समय पर यह भी जानते हैं कि इसमें से अधिकांश ज्ञान वर्तमान में जो ये मनुष्य हैं और इनका जो चेतना का स्तर है इनके लिए कोई भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। वो सिर्फ व्यक्ति विशेष को देख के, परिस्थिति विशेष को देख कर और आवश्यकता को देख कर ही सही और सटीक ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्यों का कल्याण हो, और जो कि एक शांत व्यक्तित्व ही ऐसा कर सकता है। अशांत व्यक्तित्व वो थोड़े से ज्ञान पाकर ही बेचैन हो जाया करता है, और शांत व्यक्तित्व ही अपने अंदर अथाह ज्ञान को समा सकता है। तो ये गुरुदेव प्रशांत त्रिवेदी जी का तीसरा गुण है। उनका चौथा गुण यह है कि उनकी गहराई बेहद अधिक है, उनका व्यक्तित्व बेहद गहरा है। कैसे हम कह सकते हैं? जितनी ज्यादा आप उनके ऊपर रिसर्च करोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा आपने उनको जान लिया है, लेकिन तब भी आप पूर्ण रूप से उनको नहीं जान पाओगे। वो आपको ऐसे पता लगेगा कि जब आगे आप उनको और सुनोगे तो आपको पता लगेगा वाह, ये भी एक नया दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से वो इतने गहरे हैं कि आप उनके व्यक्तित्व में गोता लगाते जाओ, गहराई में जाते चले जाओ, तब भी उनकी गहराई का पता लगाना एक बेहद कठिन कार्य है। और मुझे तो गुरुदेव को सुनते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया और सौइयों वीडियो भी मैंने उनकी सुनी होंगी, पर अभी तक मैं उनकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। अन्य कुछ लोग थे जिनको मैंने सिर्फ कुछ महीने ही सुना और उनकी पूरी गहराई को नाप कर वापस सतह पर आ गया और जान गया कि इनका व्यक्तित्व कितना गहरा है। लेकिन वो परिस्थिति गुरुदेव प्रशांत त्रिवेदी जी के साथ अभी तक घटित नहीं हुई है। उनकी गहराई का आकलन मैं नहीं लगा पाया हूँ।